स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोड्रॉप क्लासेस, वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग, वेयर वी हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को हम ऑलरेडी कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हमें उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो एग्जाम में उससे रिलेटेड 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप के बारे में, कि कार्बोक्सिल ग्रुप की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें कार्बन एटम किस टाइप का हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, उसमें पाई बॉन्ड्स का, सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, एंगल्स कितने होते हैं उसके बीच में, कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो ये सभी डिस्कशन हम करेंगे, और उनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होती है। ओवरऑल कंप्लीट डिस्कशन आज होगा हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर। ओके, तो आइए चलते हैं। तो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है हमारा वो ये होता है, उसकी सिंपल स्ट्रक्चर होती है ये हमारी स्ट्रक्चर है हमारी कार्बोक्सिल ग्रुप की। सिंपली हम इसे नोट कर लेते हैं COOH की फॉर्म में, बट उसमें जो बॉन्ड्स बनते हैं वो इस फॉर्म में बनते हैं। अभी कार्बोक्सिल ग्रुप आपका 2 ग्रुप से मिलकर बना होता है। नंबर 1 होता है उसमें कार्बोनिल ग्रुप, और नंबर 2 होता है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये हमारा है कार्बोनिल ग्रुप जो हमारा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में प्रेजेंट होता है। ये हमारा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हमारा किसमें प्रेजेंट होता है, एल्कोहल्स और फिनोल्स में। ओके, तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ग्रुप की, तो एसिड ग्रुप हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा। यहां पर इस टाइप की बॉन्डिंग होगी RCOOH ग्रुप। R हमारा एल्काइल ग्रुप है, यहां पर हमारा R एल्काइल ग्रुप को भी शो कर सकता है और हाइड्रोजन को भी शो कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा एसिड यूज कर रहे हैं, बट इसकी जनरल स्ट्रक्चर ये हो जाएगी RCOOH ग्रुप। यहां पर जो एंगल बनेगा वो बनता है कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। और ये कार्बन जो होता है हमारा, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है। कार्बन हमारा कौन सी स्टेट में होता है, sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप में। ओके, साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ बना रहा है डबल बोन, और एक ऑक्सीजन के साथ वो बनाता है सिंगल बोन। तो इस टाइप से हमारी स्ट्रक्चर हो जाती है RCOOH ग्रुप की। आपको दिखाई दे रही होगी बोर्ड पर कि कौन सी स्ट्रक्चर होगी। अब हम देख लेते हैं कि एक जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में इससे रिलेटेड, वो ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन व्हाई द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन। जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है कार्बोनिल कार्बन के ग्रुप से। ये जो कार्बोनिल कार्बन है हमारा, ये वाला मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये वाला हमारा लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। तो उसे ही हमें एक्सप्लेन करना होता है एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं एसिड ग्रुप की। तो एसिड ग्रुप में क्या होता है बेसिकली, कि जो आपके कार्बन है उस पे डबल बॉन्ड के थ्रू एक ऑक्सीजन अटैच है, और एक ऑक्सीजन आपकी सिंगल बॉन्ड के थ्रू उस पर अटैच हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, कि जितने बॉन्ड्स आप देख रहे हैं यहां पर, ये सभी एक ही प्लेन में होते हैं। तीनों बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड भी और पाई बॉन्ड भी, आपके तीनों सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड जो यहां पर बन रहा है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फॉर्मेशन के लिए यहां पर क्या हो जाता है, जो आपके कार्बन एटम है वो क्या करता है, 2 ऑक्सीजन एटम के साथ sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब उसमें क्या होगा कि जो 2 sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑर्बिटल्स हैं कार्बोनिल कार्बन के, ये ओवरलैप कर जाते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन एटम्स के, और जो थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल बचता है हमारा कार्बन का, वो या तो ओवरलैप करता है s ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन एटम के, या वो ओवरलैप करता है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम के, कौन से, एल्काइल ग्रुप के, जिससे कि वो 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है।
अब जो रिमेनिंग हमारे ऑक्सीजन एटम के ऑर्बिटल बचे हैं पी ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो कार्बन एटम के जो बचे हुए हैं अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, उसके साथ क्या बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। सपोज हम यहाँ पर एक ग्रुप ड्रॉ कर रहे हैं आर सी, यहाँ पर सी के हम पी ऑर्बिटल को नोट करते हैं, यहाँ पर सी ऑर्बिटल के सी कार्बन के पी ऑर्बिटल को नोट कर लिया हमने। ओके, अब यहां पर हम ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल बना लेते हैं। ऑक्सीजन का दो एटम है तो एक हमने यहां बना लिया और एक हमने नीचे बना लिया थोड़ा। अब कार्बन की हम ग्राउंड स्टेट देखते हैं तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, तो 1s2, 2s2 और 2p2 बन जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जब हम ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे और 1 एंड 2 यहां जाएंगे होम्स रूल के अकॉर्डिंग। अब ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके यहां जाता है एक्साइटिंग स्टेट में, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाते हैं हमारे कार्बन में। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये हमारे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यही हमारे क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। अब इस कार्बन के जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है उसके जो p ऑर्बिटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेते हैं, इस टाइप से बॉन्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो ये p ऑर्बिटल जो कार्बन के प्रेजेंट है sp2 हाइब्रिड कार्बन के, वो ओवरलैप कर जाते हैं किसके साथ, p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के। ठीक है, यहां पर हमारे ऑक्सीजन एटम्स के p ऑर्बिटल प्रेजेंट है इस टाइप से। यहां पर h भी आएगा क्योंकि RCOOH ग्रुप प्रेजेंट है। ये तो हो गए हमारे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब पाई बॉन्ड का कैसे होता है, यहीं पर जो ये हमारे पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है ऑक्सीजन के साथ, ये क्योंकि एक ही प्लेन में प्रेजेंट है तो ये क्या कर लेते हैं, जो ये सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो बन ही चुके हैं। अब यहां पर इनके साथ क्या कर लेते हैं, ये पाई बॉन्डिंग कर लेते हैं इस टाइप से, ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ इस टाइप से। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना है इसके थ्रू आपके क्या बन जाते हैं, पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमारे बन जाते हैं यहां पर सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स। अब देख लेते हैं हम इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, मतलब इसमें RCOOH ग्रुप में डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का किस टाइप से होता है। ओके, सो प्लीज नोट इट। यहां पर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। तो ऑक्सीजन के पास आप जानते हैं कि दो दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं दोनों ऑक्सीजन के ही पास। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट करने पे क्या होगा, यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और इसके पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए कार्बन में इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये एज इट इज रहेगा। एक स्ट्रक्चर ये बनी हमारी। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन यहाँ डोनेट कर देगा जिससे कि कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, ये एज इट इज रहेगा, नेगेटिव चार्ज यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर उसने डोनेट कर दिया है, एक बचा है तो जिससे उससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और यहां पर हाइड्रोजन। तो ये हमारी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं जिसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमारा डिसोसिएट होता है इस टाइप से, RCOOH ग्रुप है तो ये डिसोसिएट हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में और एच पॉजिटिव में। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन आपका बना है ये भी आपका क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, ये भी सेम टाइप की स्ट्रक्चर शो करता है यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो अगर इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो जो ऊपर आपने स्ट्रक्चर बनाई है वही दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर इसमें बनती है। फॉर एग्जाम्पल हम बना लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, यहाँ नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं हम। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन इसी टाइप से बनता है। अब देखें दो हर ऑक्सीजन के पास कितने प्रेजेंट होते हैं, दो दो लोन पेयर, यहां भी दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे
बट इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो एक लोन पेयर एक्स्ट्रा होगा इसके पास। अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे शो करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ये यहां डोनेट कर देगा, यहां डोनेट करने के बाद क्या होगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि दो डबल बॉन्ड एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर अब की बार डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर रह गए, दो। इस ऑक्सीजन के पास अब लोन पेयर कितने हो जाएंगे, तीन, क्योंकि एक दो ऑलरेडी प्रेजेंट थे और एक यहां पर शिफ्ट हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होने की वजह से इस पर एक लोन पेयर एक्स्ट्रा और नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो इस टाइप से ये हमारी कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाती है, हमारी हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, साथ में हम कंपैरिजन कर लेंगे इन कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कार्बोनिल कार्बन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाई एक्सप्लेन द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन, जो आपका कार्बोक्सिलिक कार्बन होता है वो कार्बोनिल कार्बन से लेस इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होता है, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कार्बोनिल कार्बन की भी। तो कार्बोनिल कार्बन में हमारा C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर, ऑक्सीजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इस टाइप से कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर तीन लोन पेयर के साथ एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाता है। ओके, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि हमारे कार्बोनिल ग्रुप की भी हमने क्या बना दी है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। इन्हें आप नंबरिंग दे देते हैं, यहां पर सपोज हम 1, 2, 3 इसको हमने मान लिया 4 और 5। पहली बात जो हमें ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाती है कि अगर हम एल्कोहलिक ग्रुप ले रहे हैं, कोई एक हम ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसी टाइप से जो हम यूज कर रहे हैं, और एक हम ले लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ये हमारा क्या है, एल्कोहल है, ये हमारा एसिड ग्रुप है, ये हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड जो बनता है उसकी लेंथ क्या हो जाती है, 142 पिकोमीटर होती है अप्रोक्सीमेट। यहां पर जो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है इसकी 136 पिकोमीटर होती है, यहां पर जो हमारा डबल बॉन्ड है इसकी लेंथ होती है 123 पिकोमीटर, और यहां पर जो डबल बॉन्ड है उसकी होती है 120 पिकोमीटर। तो इससे हमें यह पता चला है कि जो एल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है उससे जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ जो सिंगल बॉन्ड की है वो कम हो जाती है, जबकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 123 पिकोमीटर है, जो कार्बोनिल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो हमारा 120 पिकोमीटर है, मींस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमारी डिक्रीज हो जाती है और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड की हमारी डिक्रीज हो जाती है और डबल बॉन्ड की हमारी बॉन्ड लेंथ कार्बोनिल ग्रुप से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये इंफॉर्मेशन हमें देती है जो हम स्टोइकोमेट्री पढ़ते हैं इनकी, तो उसके थ्रू हमें पता चलता है प्रैक्टिकली कि आपके सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है इसमें, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हैं जो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी ज्यादा स्टेबल है और ये सेकंड इसकी स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, क्यों, अब यहां देखेंगे जो फर्स्ट है और थर्ड है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, ईच कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन, सभी के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन है, बट इस सेकेंड स्ट्रक्चर में इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इस पर केवल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करने की वजह से ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, जबकि बाकी दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। तो यही दोनों स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं अपनी जब हम रिएक्शंस करते हैं। ओके, तो हमारी स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर थर्ड हमारी क्या हो गई, मोर स्टेबल हो गई। ओके, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जबकि हम एल्डिहाइड और कीटोन के केस में देखें तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल केवल हमारी फोर्थ स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रही है ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब जो हमारी कार्बोक्सिलिक कार्बन प्रेजेंट है ये और ये वाली स्ट्रक्चर जो है इसमें कार्बन पर हमारी क्या है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मतलब ये क्या है, लेस पॉजिटिव है, और जो लेस पॉजिटिव होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं या कम देते हैं।
मतलब हम कह सकते हैं कि लेस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, जबकि इन पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल ग्रुप पर प्रेजेंट है तो ये हमारा क्या है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ये क्वेश्चन का आपके आंसर हो गया कि व्हाई द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन। तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ लेस पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल ग्रुप। तो क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज कम है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक भी कम है। ओके, तो यहां पर हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया स्ट्रक्चर के बारे में कार्बोक्सिल ग्रुप की, उसमें सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, और ये क्वेश्चन भी हमने एक्सप्लेन किया है आपको कि व्हाई द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्लियर हो चुकी होगी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।